हाय, इस विप्लव भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय फिटनेस वर्कआउट। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसा योगा जिसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि मेनली तो ये फैट रिड्यूस के लिए है, उसके बाद जो हम लोग का खाना डाइजेस्ट होने का जो सिस्टम है उसको एक्टिव रखता है, मतलब खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, पेट कम करता है, वजन कम करता है, कमर को छोटा करता है। उसके बाद ये जो बैकबोन है, बैकबोन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, हैमस्ट्रिंग के लिए फायदेमंद है, और जो छोटे बच्चे हैं मतलब जो कम उम्र के लोग हैं वो अगर रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हाइट भी बढ़ता है। लेकिन हम आज करेंगे स्पेशली फैट रिड्यूस के लिए, क्योंकि मेरा फैट रिड्यूस का ये ट्रेनिंग सीजन चल रहा है, तो हम लोग करेंगे ये फैट रिड्यूस के लिए। तो आइए करते हैं पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में क्या होता है, हमें फ्रंट बेंड होना पड़ता है। एक बार पोजिशन देख ले, ये हाथ को ऊपर उठा के सांस को बाहर निकालते हुए पाँव के उंगली को ऐसे पकड़ना है, एल्बो जमीन में लगा रहेगा और सर घुटने को टच करेगा। यह है ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ऐसे भी करते हैं, यहाँ नीचे पकड़ते हैं, यह भी सही है। तो हम लोग करेंगे फैट रिड्यूस के लिए, तो हमें पहले ध्यान देना है कि हम फ्रंट बेंड हो पाए और अपना सर घुटने पे लगा सके। तो इसके लिए पहले हमें ट्राई करना है कि हम उंगली को जैसे भी हो टच करने के लिए ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हाथ यहाँ तक जाते हैं, किसी किसी के यहाँ तक जाते हैं, और कोई कोई उंगली को टच कर सकते हैं लेकिन सर को नीचे नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले तो हम जो नए हैं उन लोगों के लिए, पहले तो हम ट्राई करेंगे कि सांस को बाहर निकलते हुए हम उंगली को टच करें, उंगली को टच करके जितना देर तक हम रुक सके ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे यहाँ तक इसको छूके रहेंगे, मतलब उंगली को टच करते रहेंगे। धीरे धीरे हम जब कंफर्ट हो जाएगा, हम लोग जब इसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि अपने सर को घुटने तक लेके जाए, इतना जाएगा पहले, उसके बाद फिर हम उठ जाएंगे, फिर रेस्ट ले लेंगे, फिर ट्राई करेंगे, यहाँ तक तो हाथ आ ही जाएगा, उसके बाद सर को नीचे लेके जाएंगे। तो दो तीन बार प्रैक्टिस करने से या एक दो दिन प्रैक्टिस करने के बाद सर घुटने तक आ ही जाएगा। और एक इजी टेक्निक है, अब तक हम लोग उंगली को टच कर रहे थे लेकिन अब हम नीचे टच करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग टच करते हैं तो ये हाथ जमीन के पास आ जाता है, तो इजीली जमीन में हाथ लग जाएगा। जब हम जमीन पे हाथ लग जाता है तो सर भी अपने आप पांव के पास आ जाता है, तो ज्यादा गैप नहीं रहता। तो हम लोग एक बार उठ जाएंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर ट्राई करेंगे, यहाँ पे पकड़ के हाथ को जमीन में लगाएंगे, उसके बाद सर और पांव के बीच गैप बहुत ही कम है, तो हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे सर को यहाँ लगाएंगे पांव में लगाने के लिए, और ये इजीली लग जाता है। ये इसी तरीके से पश्चिम उत्तानासन कंप्लीट हो जाता है और सबके लिए ये फायदेमंद है और सभी कर पाएंगे। अब जिन लोगों का हाथ यहाँ तक नहीं जाता या यहाँ तक भी नहीं जाते, उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है, आप लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक हाथ जाते हैं आप लोगों का वहीं पे रुक जाना है, यहाँ पे रुक जाएंगे, उसके बाद एक स्टेप करके आगे जाना है, जैसे कि ये इसी तरह आगे जाएंगे, यहाँ तक एक दो इंच बढ़ जाएगा, तो कमर में अगर खिंचाव होता है तो आप लोग एक बार रिलैक्स हो ले, उसके बाद फिर ट्राई करें, जहां तक हाथ गया था वहां से ट्राई करें और एक स्टेप दो स्टेप ऐसे आगे लेके जाए। इसी तरीके से आप एक दिन या दो दिन में ये उंगली को भी टच कर पाएंगे और नीचे यहाँ भी टच कर पाएंगे। जब यहाँ टच हो जाएगा तो ट्राई करना है हाथ को नीचे लेने के लिए, ये हाथ को जमीन में टच करने के लिए ट्राई करना है। अगर आपका हाथ जमीन में लग गया तो समझो आपका लड़ाई खत्म होने में ज्यादा देर नहीं है। अभी जब हाथ जमीन में लग जाता है तो जस्ट ट्राई करना है सर को नीचे ऐसे ले जाने के लिए, पहले तो इसे ट्राई करना है, ऐसे सर को यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद धीरे से घुटने में टच हो जाएगा। तो यही है पश्चिम उत्तानासन, अब आप लोग इसे ट्राई कर सकेंगे, कंप्लीट भी कर पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान दीजिए, जिसका कमर दर्द है वो लोग इसे मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नया व्यूअर्स है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसे भी टच कर दीजिए, उसके बाद पास में एक बेल आइकन आएगा उसे भी टच कर दीजिएगा, तभी मेरा आने वाला वीडियो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, स्टे हेल्दी स्टे स्लिम।